परसों यहाँ वो दिन जिसको सारा दिन प्रताड़ित करते रहे, धमकियाँ देते रहे, और वो सरकारी रिवॉल्वर लिए हुए है, और इसके बारे में FIR भी दर्ज हो सकी है पुलिस वाले और उसके घरवाली के खिलाफ। अरे ये भी तो शर्म कर ले, तेरे मैं है, ये बनाओ की मैं भी कुछ हो गया, ला मैं लिख के दूंगी, लिख के सारा सब करके तेरे खिलाफ लिख कर। क्यों आ सुबह से यहाँ? हेलो, बोलो ना भाई सर, जो चीजें बोलो, मैं क्या दिक्कत? बताओ अबे, टेंशन मत, बोलो जो चीजें अपनी क्लियर, क्यों दिक्कत हो रही है? बोलो आप, इन एक मिनट ये जवाब दीजिए साहब भाई, हमने ही तो बताया। हां भाई सोनू, ये सुबह से परेशान कर रहे हैं। बोलो, बोलो, कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने करना जो बोलो इनके सामने, आप क्लियर, कोई टेंशन नहीं भाई साहब, आप इनको बोलो जो चीज बोलनी है। इनको क्यों परेशान कर रहे हो सुबह से? हैं, जब पैसे लेते थे डायल 112 पे, हैं? हेलो, पहले तनख्वाह इतनी हो रही, उसमें भी नहीं भरता तुम्हारा, आप सवेरे से मेरे को भी परेशान कर रहे हो, फोन कर करके अपनी मिसिज को लेके आए हुए हो, है? नहीं गलत नहीं, आप बोलो ना जो बात है, बोलो भाई साहब, रविंदर जी आप बोलो इनको जो चीज बात है, क्लियर, दिक्कत वाली बात नहीं। अब इंक्वायरी चल पड़ी तो तुम इनके पीछे पीछे घूम रहे हो और मेरे को भी परेशान कर रहे हो, इनको भी। किसने कहा अभी गवाह को ऐसे सारा दिन पर टॉर्चर करोगे? उस दिन से फोन पे बुरा हाल मचा रखा है भाई। ओल्डर रविंदर हेड कॉन्स्टेबल बोलो, है भाई, इतना करना ठीक ना है, ठीक है, इसी कोई गलती ना करी है, अरे सा कोई महकने वाला ना है ना लिया, अरे ये सोने ला मैं लिख के दूंगी, अरे मैं मर गई रेल के नीचे कट गई, कल कुछ हो गया, ला मैं लिख के दूंगी दरखास्त, एक मिनट ले, बना ले मेरी, बना ले भाई तू, बना ले मेरी, ला मैं लिखूंगी थी पहले, एक मिनट ये कराना चाहती हूँ, टाइम पेपर है मेरे, तो लिख के सारा सब किम करके तेरे खिलाफ लिख कर जाओ। जो इनको यहाँ बैठा रखिया, डायल 112 पर करो, क्या है सोनू जी, मतलब 20 बार मना किया नहीं जा रहा, क्या करे? मैंने कहा हाँ बहन जी, नहीं फिर सवेरे से आप बैठे हो, एक बार समझा दिया था, इनके पीछे लगे हुए हो, सवेरे से मेरे पीछे लगे हुए हो, नहीं फोन को मत छेड़ो, अरे इतनी तो शर्म कर ले, अब तेरे मैं कुमकार हैं, ये बनाओ कमी, मैं भी मुलाजिम की हूँ घरवाली, तू मत सोचे, नहीं फिर ऐसे इनको दुखी करोगे, ये करप्शन करता था, हर रोज पैसे लेके जाता, तब क्यों नहीं बोले आपने इसको? एक बार नीचे कर भाई, नहीं जाओ अपना घर जाओ, जाओ फिर मैं जाऊंगी, मैं मेरा वो मत करिए ना, वो तरुण हो रहा है, घर ना सुधरा होगा। हमने करप्शन को ख़त्म कर दिया ट्रैफिक से बिल्कुल, लेकिन ये डायल 112 पे एक रविंदर हेड कॉन्स्टेबल था, ये हमारे ट्रैफिक को बदनाम कर रहा था, पैसे वो लेता था, बदनाम ट्रैफिक होती थी, तो इन्होंने थोड़ी हिम्मत दिखाई, जो ये फूल वाले भाई हैं, जो के नाम है इनका शायद सोनू, तो इन्होंने हिम्मत दिखाई, वो भाई इन्होंने सच्चाई बताई है, ऐसे ऐसे 300 रुपये ले लिए, तो ऊपर तक फिर इन्होंने कंप्लेंट की SP साहब के पास, तो वहाँ इंक्वायरी बैठ गई DSP ट्रैफिक के पास, तो परसों यहाँ वो दिन जिसको सारा दिन प्रताड़ित करते रहे, धमकियाँ देते रहे, और वो सरकारी रिवॉल्वर लिए हुए है, और इसके बारे में FIR भी दर्ज हो सकी है पुलिस वाले और उसके घरवाली के खिलाफ थाना चांदनी बाग में, लेकिन अब उसके पास सरकारी रिवॉल्वर है, जब तक उसका जमा नहीं हो जाता हम इनकी सुरक्षा करेंगे, क्योंकि इन्होंने कुछ आस लगा रखी भैया हेल्प करेंगे, तो हम उस पर खड़े उतरेंगे और इनकी पूरी सपोर्ट करेंगे। जो आपका ये जो चलान कटा है, ये कहाँ कटा था? संजय चौक पर फोन दे, डायल 112 पर ड्यूटी है हवलदार रविंदर जी की, और उन्होंने मुझे संजय चौक पर रोका डॉक्यूमेंट्स के लिए, चलान कटा नहीं है, चलान के नाम पर मुझसे 300 रुपये लिए थे, चलान तो 500 रुपये से कम का है नहीं, और उन्होंने मुझे छोटे चलान के लिए कहा, मेरे पास 300 रुपये थे, उन्होंने 300 लेके मेरे से, और मुझे कहा जी आपका चलान कट गया आप जाइए। तो आगे वारदात जो यह रिपोर्ट क्या थी, मतलब ये वारदात जो है SP ऑफिस में चली गई थी, SP ऑफिस से जब DSP ऑफिस में चली गई, DSP साहब ने वीडियो मांग रहे थे,
डीएसपी ऑफिस से जब इस बात पे हुआ तो उन्होंने रविंदर जी को बुलाया, सारी वारदात सामने आई, वारदात के अंदर उनको कार्रवाई की गई उनके ऊपर। उस कार्रवाई के बयान वो परसों मेरे पास दुकान पर सुबह दोनों हस्बैंड वाइफ आए और मुझसे अपनी गलती मांगने लग गए कि मेरे से गलती हो गई है, इस गलती के अगेंस्ट आप अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिए। मैंने कहा जी मैं अपनी कंप्लेंट कैसे वापस लूँ, आप डीएसपी साहब के पास जाइए और अपनी गलती मांगिए, अपनी गलती को मांग के और वो आपको माफ़ कर देंगे और मुझे बुलाया जाएगा। मैं कह दूँगा ठीक है जी, एक बंदा गलती मान रहा है उसकी गलती मान दीजिए, उसको माफ़ कर दीजिए। लेकिन ये बोले कि नहीं हम ऐसे नहीं जा सकते, आप हमारे साथ चलिए और आप ही अपनी गलती मानिए और अपनी रिपोर्ट वापस लीजिए। मैं कहा ऐसा करने के बाद तो वो उस प्रशासन में मुझे कहेगा आपने पुलिस के खिलाफ गलत कंप्लेंट डाली है और उसके अगेंस्ट मेरे का एक्शन होगा। मैं कहा जी मैं नहीं जा सकता, आप जाइए और आप मुझे जब बुलाया जाएगा मैं आपकी गलती के ऊपर बात को बात किया जाएगा। तो उस बात से के लिए जब वो मेरी बात आ गई हुई तो मैं घर चला गया वो, लेकिन वो लोग सुबह 11 बजे से लेकर और शाम को 7 बजे तक मेरी मिसी दुकान पर थी अकेली, उनके साथ वहीं बैठे रहे और सारा दिन उनको टॉर्चर करते रहे, सारा दिन उनको धमकियां देते रहे, सारा दिन उनको बातें करते रहे। शाम को 7 बजे जब तक परेशान होने के बाद मेरी मिसी ने हेड कॉन्स्टेबल आशीष कुमार जी को फ़ोन किया कि आशीष जी इस बात को देखिए जो भी है और अभी तक ये जा नहीं रहे हैं, इसके बारे में क्या करना चाहिए। तो आशीष जी ने आकर सारा अपना कार्रवाई की, फोटोग्राफी वगैरह की, तो उस टाइम उसकी मिसी ने भी जाते जाते धमकियाँ दी कि अगर ऐसा हुआ मेरे पति को कुछ हुआ तो मैं रेल के नीचे कट के मर जाऊँगी, मैं अब तुम सबका नाम लिख के चली जाऊँगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जिसकी कंप्लेंट हमने चांदनीबाग थाना में SHO साहब को दी और जिसकी कार्रवाई कल SHO साहब ने की और FIR वगैरह हुई है, सारा कुछ हुआ है। तो अब FIR पे जो प्रशासन कोर करेगा, जो कार्रवाई करेगा वो प्रशासन। 11:30 बजे फ़ोन आया था मैडम का कि तरुण जी कहाँ हैं, मैंने कहा वो तो पता नहीं फ़ोन लगा कर गए हैं, कहाँ गया मुझे नहीं पता इस बारे में। तो वो कहने लगे फिर हम आपके घर आएंगे, आप एड्रेस दो। मैंने कहा घर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ रही हूँ दुकान पे, आप जो बात करनी है मेरे साथ करना। मैं यहाँ आई, यहाँ पे दोनों ही बैठे हुए थे मियाँ बीबी। मैंने कहा सर, कह रहे तरुण जी ने आप समझाओ कि वो कंप्लेंट वापस ले लें। मैंने कहा सर वो कैसे ले सकते हैं, सारा तो उन्हीं के ऊपर आएगा फिर ब्लेम कि भाई तुमने पैसे लेके वापस ले ली। वो अपनी वाइफ को कहते हैं 300 रुपये के पीछे दे इनको, 300 के 3,000 दे, 30,000 दे, 300,000 तक उन्होंने मेरे को कहा। मैंने कहा सर मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे 300 ना 3,000 ना 30,000, हम अगर छोटे काम करते हैं लेकिन किसी से भीख मांग के नहीं खाते, तुम पुलिस वाले हो या कुछ भी हो मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है और मेरे को तो किसी बात का नहीं पता, जो DSP ऑफिस में आपकी बात हुई है वहीं पर जाके करो, ठीक है आपने मुझे कह दिया मैं उनको समझाऊंगी और कल आके हम उनके साथ जाऊंगी और कंप्लेंट वापस ले। लेकिन वो नहीं गए, कहते ना जी मैं तो जाऊंगा ही नहीं, यहाँ पे 2-3 बार DSP ऑफिस से फ़ोन भी आया उनके पास। मैंने कहा सर आप चले जाओ ये शायद वहीं पर होंगे, लेकिन वो नहीं माने, कहते ना जी मैं तो उसको ही लेके जाऊंगा और वही कंप्लेंट वापस लेगा, तो और अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं खुन्नस तो काटूंगा, चार बंदे बुला कर मार भी सकूँ, गन भी मेरे पास है, सब कुछ कर सकूँ मैं। मैंने कहा सर मारने वाले तो आप हो नहीं, खुदा तो बन नहीं सकते, मैंने भी उनको यही बात कही थी। तो वो कहने लगे ठीक है। फिर शाम तक 2:30 बजे मैंने सर को फ़ोन किया आशीष जी को, मैं कहा सर ये तो इमोशनली भी और मेंटली भी मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, मैं क्या करूं। ये इन्होंने कहा कि 112 पे फ़ोन कर दो, मैं कहा सर मैं तो नहीं कर सकती, मुझे तो डर लगता है। तो फिर भी मैंने कहा चल कोई बात नहीं बैठे हैं। फिर वो कहने लगे, कहते हैं कि हमने तो कल से कुछ खाया भी नहीं पिया भी नहीं। मैं कहा कोई बात नहीं, आप पानी पियो चाय पियो और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पियो। लेकिन वो बैठे 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 शाम को 7:30 हो गई और वो एक तरफ से रिक्वेस्ट करें दूसरी तरफ से धमकाएं, हमारी तो इतनी पहुंच है नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंच है, आशीष ने कौन जाना है, आशीष तो अब आया 3 महीने हुए मेरे को, 20 साल हो गए नौकरी में और नीचे से ऊपर कोई सा ऐसा बंदा नहीं जो ना जानता हो, और आशीष ने छोड़ो जब भी तुम्हें कल को कोई काम हो मेरा नंबर लो, मैं आपको नंबर देता हूँ, कोई काम हो मेरे से फ़ोन करियो, 1 मिनट में पहुँच जाऊँगा। मैं कहा सर हमें किसी का नंबर नहीं चाहिए, आप जो मामला है अपना जाके वहाँ पर दवा करो। तो वो कहने लगे ना जी लेके तो मैं तरुण ने जाऊँगा चाहे रात हो जाओ। 7:30 बजे अपनी वाइफ को कहते हैं कि मैं तो थाने में सोऊंगा, मेरी ड्यूटी है नाइट, और तू जाके तरुण के घर सो। मैं कहा सर ये कोई धमकी थोड़ी ना होती है कि आप ये कहो कि ये उनके घर पे जाके सोए, मैं तो हम क्यों सुलाएंगे किसी को अपने घर पे। तो वो कहने लगे कि ना ये तो सोएगी आपके घर, जब मेरी नौकरी जा रही है तो मैं कैसे छोड़ दूं, आपके घर ही सोएगी। फिर उसके बाद मैंने फिर आशीष जी को फोन किया, मैं कहा सर मैं बहुत परेशान हो गई हूं सुबह से, मेंटली भी और इमोशनली बहुत।